हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा मर्चन, मेरे लर्न एंड अर्न चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लबनानी कबाब। ये एक अरेबियन डिश है और बहुत ही इजी और टेस्टी फटाफट बनने वाली चीज़ है ये। इसके लिए हमें चाहिए बॉयल्ड आलू 1 कप जितना श्रेडेड किया हुआ, बॉयल्ड चिकन 1 कप चाहिए हमें, उसको भी श्रेडेड कर लेना है हमें, और एक छोटा सा प्याज बारीक कटा हुआ उसमें डालना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फिर उसमें कोथमीर 2 टेबलस्पून कटी हुई डालनी है, सॉल्ट 1/2 टीस्पून या आपके टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये बहुत ही डिलीशियस और एकदम इजी और टेस्टी टाइप की कबाब है जो अब सबको बहुत ही पसंद आती है। उसी में 1 टेबलस्पून बटर डाल देना है हमें और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फिर उसके छोटे छोटे हमें ऐसे कबाब बना लेने हैं और उसको फ्लेट करके उसके बीच में हमें चीज़ डालना है। तो चीज़ स्लाइस है उसको हाफ करके भी आप बीच में रख सकते हैं, या वो मोज़रेला चीज़ है उसको ग्रेट करके वो भी आप बीच में रख सकते हैं। इसको ऐसे बंद कर देना है, चीज़ डाल के अच्छी तरह से टाइट दबा के उसको शेप दे देना है। फिर एक बाउल में 2 अंडे डाल के उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर मिक्स करना है और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी डाल देना है, तो जो ऑयल में बहुत सारे झाग आते हैं ना वो नहीं आते उससे, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फिर जो हमारे कबाब है उसको पहले हमें ब्रेड क्रम में लगाना है अच्छी तरह से कोटिंग करके, एग में डिप करना है, एग में डिप करने के बाद वापस उसको ब्रेड क्रम लगाना है, तो ये बाहर से बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से एकदम चीज़ी और सॉफ्ट कबाब बनेंगे ये आपके। फिर तेल गरम करके उसे हमें फ्राई कर लेना है। फ्राई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि अंदर से सभी चीज़ें अपने पकी हुई है, तो बहुत टाइम नहीं लगता है, और हल्का सा थोड़ा ब्राउन कलर होने के बाद उसको निकाल लेना है। दोनों बाजू से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और ये बहुत टाइम तक अच्छी ऐसी क्रिस्पी भी रहती है। टिश्यू पे निकाल लेना है। देखिए ये कबाब, हमारे लबनानी कबाब रेडी है। बीच में से ऐसे आप काट के देख सकते हैं, चीज़ी स्टफिंग आपका दिखेगा उसमें से, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। और अगर कुछ पार्टी है, गेस्ट आ रहे हैं, तो आप ऐसे छोटे से मिनी बर्गर ब्रेड मंगा लीजिए और उसमें एक साइड पे हमें मायोनीस लगाना है। ये मिनी बर्गर दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी टेस्टी लगता है। और दूसरी साइड पे हमें टोमेटो सॉस लगा देना है। फिर हमें बीच में कबाब रखनी है और उसका दूसरा साइड बंद करके फिर एक टूथपिक लगा देनी है, तो वो अच्छे से रहेगा। देखिए खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार हमारे लबनानी कबाब रेडी है। और ये डिश आप ट्राई करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए।